72 लाख का 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट खरड़ लांड्रा हाईवे पे। क्यों, है ना अच्छी डील? आओ पूरी सोसाइटी दिखाती हूँ। Welcome back to our channel Trust City Property Guru. I'm your host Saranum, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं। So guys, आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कासा होम्स, जो लोकेटेड है खरड़ लांड्रा हाईवे पे। इस साइड आप देख सकते हैं, ये आपका हाईवे है। दिस इज योर खरड़ लांड्रा हाईवे, जिसमें अगर आप सीधे चले जाते हैं आप दिल्ली अम्बाला साइड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस तरफ को चले जाते हैं तो यहाँ से आप सीधा हिमाचल की तरफ को कुराली फर्दर पंजाब के लिए एक्सेस कर सकते हो। मतलब ईजी कनेक्टिविटी है, कहीं के लिए भी जाना हो ईजिली यहाँ से आप जा सकते हो। नियर बाय स्कूल्स की, कॉलेज की, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे अगर हम, तो वो भी आपका सारा यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएगा। मार्केट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट के बाहर निकल के हाईवे आपका तो पूरा मार्केट आ जाता है। कुछ भी आपको शॉप करना हो वो आपको प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में यहाँ पे मिल जाएगा। बाहर ज़्यादा भाग दौड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। सो ये रहेगा हमारे आज के प्रोजेक्ट का मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहेगा मेन गेट, जहाँ पे आपका इस साइड से रहेगा एग्जिट के लिए, एंड ये आपका एंट्री के लिए रहेगा। टू वे रोड मिल जाएगा आपको एंट्री में ही, एंड आपका गेट भी टू वे रहने वाला है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आपके 24/7 आपको मिल जाएंगे। मतलब आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी गेटेड टाउनशिप है। आइए चलते हैं अंदर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है हमारे आज के प्रोजेक्ट का, अंदर से आपको दिखाती हूँ। आइए। सो गाइस, जैसे आप गेट से अंदर एंटर करेंगे, मेरे इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने वाला है पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है, जहाँ पे आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके का लुक रहेगा पूरी सोसाइटी का, आप देखिए मेरे पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देखिए कि रोड भी आपके कितने ज़्यादा वाइड रहने वाले हैं। ये तो आपका एंट्री पार्ट है तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, अब बट अंदर के आपके जो रोड रहेंगे वो भी आपके 40-45 feet वाइड रहने वाले हैं। मतलब आपको ट्रैफिक का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो आइए। सो गाइज, अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो स्पैनिश आर्किटेक्चर के ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, स्पैनिश स्टाइल का। आपको पूरा यहाँ पे एलिवेशन मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। पूरी टाउनशिप की बात करेंगे तो 6 acre की टाउनशिप है, जिसमें टोटल 281 फ्लैट्स रहेंगे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 250 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रिजाइडिंग है। तो रेडी टू मूव भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एंड अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन सर्च कर रहे हैं तो वो भी आप ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। G+2 का कंसेप्ट है, विद लिफ्ट रहने वाले हैं गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके का एलिवेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। मतलब टाउनशिप के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ऐसा कि आप किसी सोसाइटी के अंदर या अंदर आ गए हो, मतलब आपको ऐसे लगेगा किसी शहर के अंदर आ गए हो। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है पूरी ही सोसाइटी। और एम्यूनिटीज़ की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट एम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी, लाइक योर जिमनेजियम, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। आपके ग्रीन पार्क सोसाइटी के अंदर रहने वाले हैं, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है आपका 3+1 BHK इन द साइज ऑफ 150 square yard, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 BHK इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। तो दोनों में से आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं अब हमारे सैम्पल अपार्टमेंट की ओर, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3+1 BHK का, जो जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी। आप फुली फर्निश भी बाय कर सकते हैं, सेमी फर्निश लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। आइए। सो गाइस, एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, सेंटर में लिफ्ट रहेगी एंड स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड रहेगा इन केस आप ऊपर फ्लोर बाय करते हैं तो। सो ये आ जाएगा हमारे फ्लैट का ड्राइंग एरिया। अगर इसकी साइज की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज रहने वाला है 11x11.4। काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं इन्होंने सिटिंग ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज कर रखी है, बीच में आपका टेबल भी है, यहाँ पे आपका पूरा सिटिंग के लिए स्पेसेस आ जाएंगे। तो अच्छे से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। सामने वाली वॉल आ जाएगी, जहाँ पे LED लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप भी लगा सकते हैं। अगर फुली फर्निश बाय करते हैं तो आपको LED भी साथ में प्रोवाइड की जाएगी। पीछे वॉल पेपर वर्क आ जाएगा पूरा,
काफी ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसको, काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे आपके पास। ऊपर फॉल सीलिंग आ जाएगा विद छोटी लाइट्स एंड बीच में आप ये शैंडलियर भी देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो घर में कम चीज़ें होने के बाद भी ये घर आपका बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कुछ इसी तरीके से इसका लेआउट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपका बालकनी आ जाएगा जो आपके ड्राइंग एरिया के साथ एंड आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वो आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखाऊंगे। अब आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस। सो गाइस, इसका साइज रहेगा 13x6.6। जैसे कि आप देख सकते हैं 4-seater डाइनिंग टेबल यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, तो एक छोटी फैमिली के लिए इट्स इनफ स्पेस कि आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, पूरी वॉल पे वॉलपेपर वर्क आ जाएगा, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऊपर फैन देख सकते हैं आप। अगेन फॉल सीलिंग आपका यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा जो आपके ड्रॉइंग एरिया में था, इसमें भी आपका छोटी छोटी लाइट्स आ जाएंगी बीच में जो अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। पूरे ही घर में अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो आपका पूरे ही घर में टाइल वर्क रहने वाला है एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाएगा, जैसे आप ड्राइंग एरिया वहाँ पे सेट कर सकते हैं, देन आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे सेट हो जाएगा, देन इसी के साथ एडजॉइंट आपका किचन आ जाएगा। मतलब वहाँ पे आप गरम गरम खाना बनाइए एंड यहाँ पे बैठ के आराम से खाइए। सो ये रहेगा किचन।